फोन गिर गया। फोन किसे गिरा है भाई? बिल्कुल रात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइट है और उसके पास में कुछ भी नहीं है। भाई ओए भागे मत, वो भाग गया, पकड़ के लांडो से। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ तुम लोग सब मस्त मगन जक होंगे। बट आज की वीडियो बहुत ज्यादा हंटेड होने वाली है, कोज आज हम लोग जा रहे हैं द मोस्ट हंटेड लोकेशन इन माय विलेज। तो ये सबसे खतरनाक जगह है, यहाँ सब लोग जाने से डरते हैं और इसकी कहानी भी बहुत अजीब और गरीब हुई है। कहते हैं कि लोग उस जगह पे भाई भूत वगैरह रहता है, तो भाई मुझे भी नहीं पता हो, तो वहाँ जाने के बाद ही पता लगा, शायद मैं वापस आ पाऊँगा या नहीं, मुझे भी कन्फर्म नहीं पता है। भाई रिस्क आप लोगों के लिए ले रहा हूँ, देखते क्या होता है क्या नहीं। और हाँ भाई, रिस्क मैं ले रहा हूँ तो आप बिल्कुल मत लगना, आप लोग ट्राई मत करना। तो अभी मैं दोस्तों से कॉल वगैरह कर दिया, तो अभी मैं कॉल मतलब रात के हम लोग रात में जाएंगे। अभी तो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि वो जगह किस टाइप से दिखती है, तो पहले मैं आप लोगों को जगह दिखा के लेके आता हूँ, ठीक है ना भाई। भूतिया वाली लोकेशन हमारे इस गली में, जो कि मेरे घर से इधर जस्ट पास में है, तो इधर को हम लोग रात में जाएंगे और अभी भी जाऊंगा, अभी भी दिखाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों को दिन का दिखाना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं थोड़ा दिन में चलता हूँ। यार आज का मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है यार, गजब ही हो रहा है भाई। और ये गली है भाई जहाँ पे हम लोग एक समय पे फुटबॉल वगैरह खेला करते थे, क्रिकेट वगैरह। और ये इधर घर है, मतलब इधर घर भी है, दोस्त का घर है मेरा, जतीन का मेरा दोस्त का, उसका घर है। और पीछे अमरूद आ रहे हैं भाई, बहुत खाए हम लोगों ने बचपन में, बहुत चुराए। अभी तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, बट क्या करो, तुम लोगों के लिए जाना पड़ेगा मुझे ब्लॉक के लिए। तो भाई यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइट जलती है रात में, ये वाली जो मैं आप लोगों को रात को बता दूंगा। अभी यहाँ पे लोग लकड़ियाँ काट रहे हैं, बच्चा एक लकड़ियाँ काट रहा है पास में। और इधर तुम लोग देख लो कितना खंडर टाइप दिखता है, ये बहुत डरावना टाइप दिखता है भाई, देख लो। और गंदगी देखो भाई, कितनी गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है भाई। मतलब यहाँ से निकलना थोड़ा डिफिकल्ट है रात में, तो भाई इससे भी ज़्यादा रहेगा। रात को भी मैं आप लोगों को सीन बताऊँगा इसे, भाई बहुत तगड़ा सीन इसका रात का भी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरे पीछे से देख लो एकदम, मतलब झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं। और आगे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, इतना हमको टाइम तो देखो, बच्चे इधर लकड़ियाँ काट रहे हैं, तो बच्चे से पूछते हैं क्या बच्चे इधर भूत रहा है क्या? बच्चे कह रहे हैं भाई भूत होता है इधर रात में, अभी लकड़ियाँ काट रहे हैं बच्चे, बच्चों को डर लगता है ये। तो इसी डर को हम लोग खत्म करने के लिए ये वाला ब्लॉग बना रहे हैं। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इससे पहले भाई मैंने कभी ऐसा ब्लॉग नहीं किया है, तो डर तो मुझे भी लग रहा है। बट क्या करो, तुम लोगों के लिए ब्लॉग बनाना है तो बनाना है, मतलब बनाना है। चारों तरफ भाई देख लो तुम, काटे काटे। और ये जो एक पेड़ देख रहे हो ना, लोग ऐसे कहा करते हैं कि भाई इस जगह पे भूत हुआ करता था, इस जगह पर, यहाँ सब लोग आने से डरते हैं इस पेड़ के यहाँ पर। और इधर एक समाधि भी है, वो मैं आप लोगों को भी आगे दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं आप लोग दिखा सकता हूँ कि रात में भाई दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं दिन को बनाने आऊँ, क्योंकि तुम लोगों को पता तो लगे ना कि ये जगह दिखती कैसी आखिरकार। मैंने बताया पास में स्कूल भी है, और ये जो कि पेड़ है भाई, पता नहीं इस पेड़ से सब लोग डरते हैं भाई, इस पेड़ से सब लोग डरते हैं। तो रात के टाइम यहाँ तो कोई नहीं आ पाता, पर मैं आके दिखाऊंगा आप लोगों, किसी भी हालत में आके दिखाऊंगा। जब हम लोग इधर आ चुके हैं भाई, ये मतलब ये दिख रही है ना आप लोग वाइट वाइट, ये दरअसल समाधि है, मतलब किसी इंसान को, मतलब इसमें गाढ़ा वगैरह समाधि का मतलब तुम लोग समझते हो, तुम लोग क्या समझाओ, तुम खुद लोग समझदार हो। तो ये समाधि है भाई, यहाँ भी लोग रात को आने से डरते हैं। और अभी देख लो भाई, बच्चे उस पर बैठ रहे हैं डोली पे, जो इनको बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भाई मैं आप लोग एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। इधर मैंने अपने एक दोस्त को खोया था, मेरा दोस्त था जब वो 8th में पढ़ता था भाई, जब भी उसकी डेथ हो चुकी थी इधर, मतलब वो इधर खेलने आया था किसी के साथ, तो यहाँ पर था भाई वो, मैं आप लोगों को बताऊँ एक मिनट, थोड़ा मैं केयरफुल चलूँ। तो ये वो जगह थी भाई, यहाँ से मतलब पत्थर फेंक रहा था वो वाली थी बताने में, तो यहाँ नहीं जा सकता मैं, वो पेड़ दिखा दे रहा है यहाँ पे, तो ऐसे पत्थर फेंक रहा था भाई वो यहाँ से, और अचानक भाई उसका ना पैर ऐसे पिछला और वो ना इसमें गिर गया। फिर हुआ क्या, उसकी डेथ हो गई भाई, जो मेरे को बहुत बुरा लगा दिल से कसम से, आज भी मैं उससे बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, बिकॉज वो मेरा बेस्ट बेस्ट फ्रेंड था, उसको भाई हमेशा मिस करूँगा आज भी और ज़िंदगी भर करूँगा, क्योंकि वो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था जिसको मैंने खोया था। उस टाइम में बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रहा था और बहुत ज़्यादा रोया था सच, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं। तो ये जगह है, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, तो इस जगह पे हम लोग रात को आएंगे 12 बजे, वो भी 12 बजे। और मैंने आप लोगों को बता दूँ, मेरे साथ मंगल और हिमांशु, ये दोनों आने की संभावना है, मैंने इन लोगों से बोल दिया है। वैसे अभी आएंगे या नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, पर हुआ तो मंगल तो भाई मुश्किल ही आएगा, क्योंकि इन लोगों से मैंने आने के पहले कॉल किया था, मैंने इनका रिकॉर्डिंग कर लिया था, तो ये लोग डर गए थे भाई। तो इनकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को आगे सुनाता हूँ, आप लोग इनकी रिकॉर्डिंग आगे सुनना, और सीधा मैं मिलता हूँ आप लोगों को सीधा रात के 12 बजे, ठीक है? तो रात के 12 बजे आएंगे, देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं। पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आप लोग इस वीडियो पे अच्छे से अच्छे सपोर्ट करना, क्योंकि भाई तुम लोगों के लिए मैं फर्स्ट बार करने जा रहा हूँ। तो पैर में भाई कांटे चुभ रहे हैं, देखो ये देखो,
पैर में कांटे चुभ रहे हैं भाई ये। तो भाई मैं सीधा आप लोगों को रात को मिलता हूँ 12 बजे, जिससे पहले आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लो इन दोनों की। इन दोनों डर गए थे भाई ये, तो इन दोनों की आप रिकॉर्डिंग सुनो और सीधा मिलता हूँ मैं आपको रात के 12 बजे। अरे कुछ ना कुछ थोड़ी होगा मेरे भाई, उधर तुझे भूत थोड़ी पकड़ेगा मेरा। अरे भाई रात को नींद आराम हो जाओगी भाई, तू खाई थोड़ी आराम चूतिए भाई, मारा दिल साथ में दे रहे हो। अरे भाई मैं साथ दे रहा हूँ, दिल का तो रहने में भाई, दिल गुर्दा खत्म से मारा। अरे कोई काय भी नहीं लगा, 5-10 मिनट में वीडियो बन भाई, भाई टेंशन ले रहा है तो चल तो सही। अरे भाई मुंह ना जाओ, मैंने आज तुम्हारी काय पिक्चर होगी। मोस्ट हंटेड प्लेस इन माय विलेज, क्या होगा आखिर जब हम रात के 12 बजे जगह पर जाएंगे तो भाई वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तुमने मना की तुम्हारा। भाई चलना पड़ेगा, धोखा धोखा नहीं चलना पड़ेगा। एग्जैक्ट टाइम मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को, देखो यहाँ पे फोकस करता हूँ, ये 12:10 हो रहे हैं, ऐसे नहीं दिखेगा आप लोगों को, ऐसे दिखाता हूँ मैं, 12:10 हो रहे हैं। इधर आसपास भाई देख लो, गली मोहल्ले में कोई नहीं है, सब सो रहा है, ओनली एक कुत्ता जाग रहा है, ये भी मुझे देख के भाग के आया था। तो इस जगह पे हम जो आएंगे हिमांशु और मैंने उसको बुला लिया है, देखते हैं कितनी देर में आते हैं। आजा भाई आजा जल्दी से, आजा टाइम, आजा फटाफट चल फटाफट चल, ये भाई लोग आ चुके हैं अपने, चल भाई चल चल भाई चल चल चल, मुंह मत छुपा, देख मेरी बात सुन, लाते मान जल्दी से आजा भाई, इतना मत डरे, भूत निकालने वाला अपन को, चल मेरी बात सुन लो ध्यान पूर्वक भाई, डरना बिल्कुल भी नहीं है, जो डर गया वो घर गया, घर भी नहीं जाओगे यहाँ से वापस। लोकेशन बता दूंगा मैं, लोकेशन मैं पहले बता चुका हूँ और फिर भी बता दूंगा, बस डरना नहीं है बिल्कुल, तू आना तो डर क्यों रहा है भाई, डर मत, अगर डर मत, डरना नहीं है गाइस। देखो अगर आप लोग कहीं भी जाते हो तो बिल्कुल डरो मत, डरना बिल्कुल नहीं है, डर गए तो समझो घर गए, घर भी नहीं आओगे वहीं रह जाओगे। तो ये वो इलाका है, एकदम रात हो रही है, तुम लोग देख सकते हो बिल्कुल रात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइट है और इसके पास में कुछ भी नहीं है भाई। ओए भागे मत, वो भाग गया पकड़ के लांदो से, मगर चल आजा फटाफट, डर मत भाई हम भी जा रहे हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम है मेरा रात में, आजा डर मत, जिंदगी बर्बाद नहीं, आजा फटाफट नाटक मत कर फटाफट, जल्दी आ भाई, भाई देखो इतनी फट रही है भाई इस बंदे की, कैसे आगे बढ़ेंगे भाई, अभी से फटने लगी थी पहली शुरुआत, आगे मौत का खेल खेलेंगे अपन, इससे भी खतरनाक वाला भाई। यूट्यूब है ये, यूट्यूब वाला की कुछ डिफरेंट कॉन्टेंट मांगता है भाई, चल भाई उसकी फट गई, दोनों भाई जा रहे हैं, वो नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल नहीं आ रहा, इतना रो रहा है भाई, इतना वो सबसे बड़ा भूत तो वही है, ऐसे फट रही है भाई। हम लोग जाएंगे, दोनों ही जाएंगे, वो डर को ख़त्म करेंगे किसी भी हालत में, यहाँ पे लोग इसको मतलब इनको देख के रात में डर गया भाई, वो इधर से पास में से कोई व्यक्ति गुजर रहा था, मतलब ऐसे ही टॉयलेट वगैरह करने आते हैं इधर लोग, इधर खुले में शौच भी करने आते हैं, जिसमें भाई वो डर गया। अब इस लास्ट लाइट के बाद में इधर कुछ भी नहीं है, एकदम अंधेरा गप है, गपम गप, कुछ देख लो आगे कुछ भी लाइट वगैरह नहीं है। तो अभी हम लोग दोनों जाएंगे, चले चलो, रेडी है, रेडी सच में चलो चलो भाई, देखो अपने क्या करता हूँ, बस तो जाएंगे ना, बच जाएंगे सब, उसको बुला ले एक बार कॉल करके देख ले भाई, वो नहीं वो नहीं आने वाला, इधर देख लो निकलने के रास्ते तक नहीं है भाई, बहुत खतरनाक जगह है ये। अभी हम लोग जाके रहेंगे, किसी भी हालत में व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, तो चलते हैं अभी आगे। ये लो गाइस अभी हम दोनों निकलेंगे यहाँ से, आजा भाई ईमान तो भाई, डबल डबल टूर सकल के कला है, आज डर को ख़त्म करने हम लोग जा ही रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूँ भाई, ज़बरदस्ती मतलब वो आदमी ख़राब है भाई, सच बताऊँ तो बिल्कुल ही। आ जा भाई ईमानशु, कभी भाई डरना नहीं चाहिए लाइफ में, एक बात जानता हूँ मैं तो, थोड़ा आगे आना यार तू यार, चलो चलो हिमांशु भाई आगे आगे जा रहा है। हम पहली जगह पे पहुंच चुके हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमने हमारा एक दोस्त खोया था जिसको मैं आज भी बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, सच समाधि यहाँ पर, ये समाधि किसकी है मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे कोई इंसान थे जिसकी कब्र है ये, जैसे सच एकदम सच बात बता रहा हूँ, किसी से भी पूछ लेना, मेरे ब्लॉग में झूठ बिल्कुल नहीं चलता। और इधर मैंने आप लोगों को बताया वो इधर भाई उसकी डेथ हुई थी जब मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं था, और मैं इस जगह पे आने पे सबको डर लगता है लिटरली, एकदम अंधेरा घर पे भाई, इधर तुम खुद देख लो कुछ भी मतलब अंधेरा ही है अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ, यहाँ पे हम बहुत खेले हैं
और भाई वो इधर ही, सच बताना, इधर ही खेल रहा था। और भाई हिमांशु भाई, हाँ डर गए। हिमांशु भाई को डर लग रहा है भाई, सच बता रहा हूँ। कोई भी डर नहीं है कहीं भी, देखो मैं बताऊं आप लोगों को, लिटरली बता रहा हूं, यहां आने सब डरते हैं रात में, पर मैं सच बता रहा हूं कोई डर वगैरह नहीं है लाइफ में। तुम सोचते हो ना वैसा है, वैसा नहीं है, वैसा होता है, पर अगर तुम लोग कुछ नहीं करोगे तो तुम्हें भी कुछ नहीं होने वाला। ये रात के अंधेरा हो रहा है, रात की 12 बज रहे हैं भाई, और हम दोनों यहाँ पे घूम के आए। मंगल एकदम डर गया भाई, मंगल तो भाई मतलब उसको डर लगता है भाई, उसे एक सपने में एक बार भूत ऊत आ गया था, बोल रहा था तूने मुझे बचाया, पर जब मैंने उसने बोल दिया जब तेरे को सपने में बचा सकता हूँ तो असली में मैं बचा सकता हूँ, तो भाई वो बंदा डर गया बिल्कुल ही, कुछ भी नहीं है ऐसा। और यहाँ पे एक पेड़ है, फोन गिर गया। फोन कैसे गिरा ये भाई? भाई फोन गिर गया, गन फट गया। कोई कुछ नहीं था, इसने इसकी वजह से गिर गया, थोड़ा सा हल्का सा धक्का की वजह से। अभी भाई थोड़ा सा डर वर तो नहीं लग रहा, आ गया ना भाई, पुलिस आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं हम तो, और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे लास्ट है, जब हम इसको बना के निकलते हैं फिर। में हिमांशु भाई को मैंने आगे भेज दिया क्योंकि मैं पीछे चल रहा हूँ, एकदम पीछे मेरा अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी नहीं है। अब वो वाली पेड़ यहाँ भी मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एक पेड़ है जहाँ पे लोग डरते हैं। समझे, ब्लर आ रहा है भाई फेस पे। हिमांशु भाई टॉर्च लेके आ रहा है, यू हाँ भाई, ये वो पेड़ है मतलब यहाँ पे लोग डरते हैं कि ये भाई यहाँ पे लोग मतलब दिन में ना यहाँ पे जुआ वगैरह खेलते हैं। तो ये वो पेड़ है मतलब ये लिमड़ी का है, लिमड़ी बोलते हैं इसे। और उधर पास में स्कूल है, तुम लोगों को दिखाई नहीं देगा, इधर रेड लाइट ही दिख रही होगी। और यहाँ पे है ना लोग डरते हैं भाई यहाँ पर। और भाई हिमांशु भाई भाई आसमत पसमत भाई, मुझे लगता है प्रैंक कर रहा हूँ गाइस, प्रैंक कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, ये डर गया भाई सच में। हाँ ये कर लो पहले। भाई की पटकी लिटरली बहुत तगड़ी वाली। अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं, हम लोग सेफ्टी से आए हैं, देख लो हिमांशु मेरे साथ है और मैं हूँ इधर, हम लोग सेफ्टी से आए। भाई एक फोन दे दे मुझे, फिर मैं क्या रखूँगा, तू मेरे पीछे ना लाइट जल्दी ना मोबाइल की या फ्लैश की। भाई सच में इतना डरावनी जगह है, बहुत ज्यादा डरावनी, सच कह रहा हूँ, तुम लोग आ ही नहीं सकते ना। मैं कितने दिल गुर्दा लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास संडे का कोई वीडियो नहीं था, तो भाई मैंने ये खुद यही कंटेंट बना लिया कि अब इसी कंटेंट बनाना है और लोगों को दिखाना है आखिरकार कुछ ही नहीं है इधर, लोग डरते बहुत है। कभी अपने आप में मतलब डर मत रखो, डर रखोगे तो डेफिनेटली तुम जाओगे, डर नहीं रखना चाहिए। मैं भी एक समय पर बहुत डरता था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भाई कसम से बहुत ज़्यादा डरता था। बट मैं इधर रिकमेंड नहीं करूँगा कि छोटे बच्चे तो बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि ये जगह देखो भाई यहाँ मरोगे से तुम, यहाँ पे गिरने का बहुत धोखा है। इधर नालियों में बाइक बड़ी मुश्किल, हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। हिमांशु भाई को निकालूंगा, आ जा हिमांशु भाई, कैसे आ रहा है मैं ही जानता हूँ। देखो यहाँ कितनी गंदगी है भाई, बहुत ज़्यादा गंदगी है। ये हमारे यहाँ की सबसे मोस्ट हंटेड लोकेशन है। हो फाइनली इस लाइट के हम लोग वापस आ ही गए हैं, जो ये लाइट थी आप लोग देख रहे हो। हिमांशु भाई अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करो भाई, बहुत मजा आया भाई, कोई डर नहीं है ऐसा कोई बात नहीं। देख लो हिमांशु भाई ने बोल दिया कोई डर नहीं है, हम लोग दिल खोल के गए, क्योंकि हम डर के जाते हैं डेफिनेटली हमारे साथ कुछ होता है, क्योंकि अगर आप पहले ही डर जाओगे तो तुम्हारे साथ पक्का कुछ ना कुछ तो होगा इसे। तो भाई ये था आज की वीडियो में, कोई डर वर नहीं था, हम लोग घूम के आगे बैठ चिल होकर। अब ब्लॉग पसंद आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना, नहीं करोगे तो भाई मैं दोबारा इसी टाइप की वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मेरा मन नहीं करता ऐसा। इधर देख लो एकदम सुनने गली, एकदम कोई नहीं है आसपास, कोई भी नहीं, कुत्ता है बस। तो व्लॉग को अब हम लोग एंड करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं रात के वक्त करता, पर रात को जैसे ही मैं घर आया भाई, मतलब मेरे को पापा ने पकड़ा, पहले पकड़ के तो भाई एक मारा खींच के कि उधर क्यों गया था, किस लिए गया था। मैंने बोला वीडियो वगैरह भाई, यहाँ तक कि बोला पापा ने बंद कर दिया, मत बना वीडियो नहीं करना आप। तो बहुत डांट पड़ी रात मेरे को, और मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग जाओ वहाँ से, कोई भूत वगैरह नहीं होता। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना था गाइस, और काफ़ी ज़्यादा मार पीटी घर पे और काफ़ी ज़्यादा सुनाया पापा ने, तो भाई थोड़ा सा प्यार आप लोग इस वीडियो पे दिखा देना, अगर नहीं दिखाया तो भाई मेरा दिल बहुत टूटेगा, और साथ में मैं इस टाइप की वीडियो नहीं लाऊंगा फिर आगे से। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप गाइस आप लोगों को पसंद आया, पसंद आया तो जैसे लाइक कर देना, और चैनल पे ना तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे यार तुम लोग, क्या आदमी हो भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो ठीक है। तो बाय, टेक केयर, लव यू।